हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड किया था और मैं ये जब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बहुत ही मतलब मेजर चेंजेस आ चुके हैं लाइफ में, जो कि मैं अभी आप लोगों को किसी और ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगा। आज तो मैं अभी एयरपोर्ट में आया हूँ, जो कि मेरा फ्लाइट है गुवाहाटी के लिए। आज मैं खड़ा जा रहा हूँ फ्लाइट से। तो अभी हम टर्मिनल 2 पे आए हैं। टर्मिनल 3 पे आया था, टर्मिनल 3 तक गाड़ी आती है, टर्मिनल 2 तक भी आता है। तो मैं टर्मिनल 2 तक 5 मिनट चल के आना पड़ रहा है। अभी हम टर्मिनल 2 आ गए। ये है डिपार्चर इसका, टर्मिनल 2 का। अभी हम चेक इन के लिए जा रहे हैं सिक्योरिटी क्रॉस करके। अभी चलते चलते अंदर, मैंने ये बोर्डिंग पास भी ले लिया है। चेक इन में प्रोसेस दिखा नहीं सका क्योंकि थोड़ा सा रश था काउंटर पे। अभी ये है टर्मिनल 2 का डिपार्चर, अंदर मतलब बोर्डिंग गेट के साइड। मैंने लिया है 37D, जो कि आयल सीट। मुझे विंडो सीट से ज़्यादा आयल सीट पसंद है, तो मैं हमेशा आयल सीट प्रीफर करता हूँ। और हमारा गेट नंबर है गेट नंबर 20। थोड़ा सा है एयरपोर्ट में, थोड़ा सा भीड़ है। अभी बोर्डिंग में टाइम है। मेरा जो कलीग है, ये वो गेट बोर्डिंग अनाउंसमेंट कर रहा है। बोर्डिंग ऑलमोस्ट शुरू होएगा। ये देखिए, लोगों का भीड़ लगना शुरू हो गया। 15 या 20 मिनट के अंदर बोर्डिंग ख़त्म होता है, तो उसी समय आपको आना होता है बोर्डिंग के लिए। अभी चलिए, मैं भी अपना बोर्डिंग कर लेता हूँ। तो चलो चलते हैं बोर्डिंग के लिए, क्योंकि बोर्डिंग ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट। और मैंने अपना बोर्डिंग कर लिया है। अभी हम कोच से जा रहे हैं एयरक्राफ्ट की ओर। और ये है एयरक्राफ्ट का पास का नज़ारा। अलाउड तो नहीं है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। और फाइनली मुझे लेग स्पेस इमरजेंसी वाला सीट मिल गया है। मेरा हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मुझे चाहिए भी होता है। और मेरे आसपास भी कोई नहीं है, तो मज़ा आएगा फ्लाइट में। और मेरे सामने जो एक क्रू बैठी हुई थी, शी वॉज सो स्वीट, क्योंकि मेरे साइड में विंडो नहीं था। विंडो थोड़ा सा दूर होता है इमरजेंसी सीट के सामने। तो शी वॉज लाइक, यू नो, मैं ही वीडियो कर देती हूँ आपके लिए, तो थैंक्स टू हर। मैं नाम तो रिवील नहीं कर सकता, बट रियली थैंक्स टू हर। अब ये हमने ऑलरेडी टेक ऑफ ले लिया है। यही है दिल्ली का ऊपर से नज़ारा। आपको दूर दूर तक सिर्फ बिल्डिंग ही दिखाई देगा चारों तरफ, या सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। और हम बातें करते करते आ गए गुवाहाटी में। गुवाहाटी का वेदर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बारिश हो रखा था। मैंने घर पे फ़ोन किया था, हमें थोड़ा सा टर्बुलेंस ही मिला था, लेकिन नॉर्मल था सा। लेकिन टर्बुलेंस तो टर्बुलेंस होता है, आपको थोड़ा सा एटलीस्ट डर लगता है। और ये हम ऑलरेडी टच डाउन करने वाले हैं गुवाहाटी। काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन के ऑलमोस्ट 6 महीना हो गया मेरे घर आते हुए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ट्रांजिट फ्लाइट है, तो ये फ़्लाइट जोरहाट तक जाएगा। तो आधे पैसेंजर बैठे हुए वो लोग जोरहाट जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं अपना लगेज कलेक्ट करने, क्योंकि मैंने अपना लगेज दिया था। ये जो हम एस्केलेटर से नीचे जाते हैं, इसका मुझे ये जो डेकोरेशन बना के रखा है माजोली का, मुझे काफ़ी सुंदर लगता है जो हम नीचे आते हैं। अभी हमें जाना है अपना लगेज कलेक्ट करने। लगेज मैंने अपना ले लिया है। अभी हम करते हैं एग्ज़िट। ये है गुवाहाटी का नज़ारा। अभी हम करने जा रहे हैं एग्ज़िट। मुझे लेने को आया तो नहीं है, तो मुझे खुद ही यहाँ से टैक्सी करके जाना होगा गुवाहाटी, मतलब घर तक जाना होगा। बहुत दिन के बाद मैं टेम्पो में उठ रहा हूँ। ये टेम्पो में काफ़ी मतलब, जब भी ऑब्वियसली इसी टेम्पो से हम ट्रैवल करते हैं गुवाहाटी में, तो ऑब्वियसली जो मेरे गुवाहाटी के दोस्त हैं उनको तो पता ही होगा। और सात दिन। राइट नाउ द टाइम इज 3:30 इन द मॉर्निंग एंड आई हैव टू गेट रेडी फॉर शिलोंग। कल इतना थक गया था कि मैं ब्लॉग बना नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा कि कल सुबह उठ के एक बार भी बना लूँगा। अभी तो अभी जस्ट मैं रेडी होता हूँ, अपना थोड़ा सा बाल चेहरा ग्रूमिंग कर लूँ, नहा लूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट ब्लॉग बनाता हूँ आपके लिए। और ये हम आगे खूबसूरत शिलोंग की वादियों में। और ये है प्रीति, और ये हमारे अश्वत और जॉन। गीता, आई एम फीलिंग गुड। गाइस, वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट। ए को प्रॉब्लम ना आयो।
गाइस तो बस हम लोग यहीं पे थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि सबका हालत खराब हो चुका है। तो अभी बस मेरा भी देख सकते हैं चेहरे से क्या हो चुका है। हम लेट नहीं है, हाँ थोड़ा सा मैं लेट हो गया इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा यही पहले बोला था 4 बजे जाएंगे, लास्ट में जाके इसने ही लेट कर दिया। I'm so sorry guys, but I can't help it. हम टाइम पर है, बस पहुंचने वाले हैं एक वाटरफॉल्स, तो बस आपको जाके वहाँ का अपडेट दे रहे हैं। मैं ज़्यादा तो रास्ते में ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा भी बहुत हालत खराब है। हम आ चुके हैं जयंतिया हिल्स पर, हम जा रहे हैं आज फीफी फॉल्स। ये है जयंतिया हिल्स का खूबसूरत लैंडस्केप जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम आ चुके हैं हमारे पहले स्टॉप पे जो कि है तिरसी फॉल, एंड हियर इज माय गैंग। और आज प्रीति लग रही है काफी एक्साइटेड, चलिए चलते हैं। इस फॉल्स पे मैं 2018 में आया था सर, अभी तो टिकट काउंटर भी बंद है क्योंकि आज मंडे है, क्योंकि ज्यादा लोग यू नो यहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है हम लोग का फोटोशूट क्योंकि जगह काफ़ी सुंदर है, हर जगह मतलब यू नो फोटो क्लिक करने लायक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे दे रहा हूँ एक दो पोस्ट इंस्टाग्राम के लिए। हम जा रहे हैं अभी असली नजारा देखने, पर अभी 300 स्टेप्स तो नंबर लग गो 300 बोल जा। तो वहाँ पे था ना इतना सरियल लग रहा था, दिस इज कॉल्ड ऑब्वियस दिस इज कॉल्ड नेचर। हम हमारे फाइनल डेस्टिनेशन फीफी पहुँचने वाले हैं, लेकिन फीफी पहुँचने से पहले हम सबका फीफी निकल जाएगा आज क्योंकि इतना दूर है। सो वी लिटरली हैड टू क्रॉस ए स्मॉल रिवर एंड दे चार्जेस 100 रुपीस पर पर्सन अप एंड डाउन। इट विल टेक अस लाइक 30-40 मिनट्स टू रीच देयर फीफी फॉल। आई एम ऑलरेडी सो टायर्ड। आपने जो अभी ऊपर से देखा था फॉल्स वो तो अभी बस एक ट्रेलर है, अभी तो हमें और भी नीचे जाना है इधर से, और इससे तो हमें और भी नीचे जाना है क्योंकि रोड इतना मतलब ढलान है और स्लीपर इतना है बारिश की वजह से। बारिश कम हो रहा था इसीलिए हम लोग बच गए, अगर ज्यादा होता तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता आज नहीं तो। Guys, literally we had to come. I have never done this before. This is my first time doing this. But still it's so exciting. It's so exciting. Quite dangerous also. But lekin hum kar lenge. एक तो आके गिर भी गया है आगे। ये
Yeah. I have grip in my shoe, so not an issue, but still. Too hard. This is that, don't we? Easy again. The roads. That trekking was so slippery, man. Guys, after 14 minutes of trek. 1 hour. 1 hour of trek. 1 hour more. We have finally reached our destination, and it's so beautiful, man. So beautiful. Natural heaven. So. I don't know if we'll be able to like feel the emotion that I'm feeling right now, that we are feeling right now, but still you can see the nature from my point of view. 1, 2, 3. जब आप ऐसी जगह पे आते हो तभी आपको लगता है कि यू नो आप कितना कुछ मिस कर रहे हो अपने ज़िंदगी में. जब वो फील मिलता है ना, जब वो आप कोई लाइक नेचर के सामने जाते हो, जब वो फील होता है कि यस आपने कुछ देखा है ज़िंदगी में. और अभी हम यहाँ पे सभी पानी का मज़ा लेते हुए, पानी बहुत ही ठंडा था, बहुत ही मतलब कोल्ड हो रखा था, ऊपर से मौसम इतना ठंडा. ग्रेट टाइम, याद रहेगा ये दिन. मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट स्टॉप के लिए. Sagita, everything all right? Sagita, everything good? Sab bhalla? Kiba lage? Kona lage? Ritika, everything good? Yes, all right. Are you happy? John, also everything good? Yeah, all good. Are you at the danger? Orna su, horror building or series? Tola pro open lage rati pa dawri bhi. Dawri. Ichi bhai. Yes. Mazdar. के okay?